दुनिया में कई तरह की मर्डर मिस्ट्री के मामले सामने आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी केस होते हैं जो सालों तक अनसुलझे बने रहते हैं। अमेरिका का एक ऐसा ही मामला है जिसे ब्लैक दाहिला मर्डर के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में साल 1947 में हुए इस हत्याकांड ने पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा दिया था। लॉस एंजलिस का यह मर्डर केस आज तक अनसॉल्व्ड है। इस वीडियो में हम आपको इसी मर्डर केस के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहे। एलिजाबेथ शॉर्ट का जन्म 29 जुलाई 1924 को बोस्टन मैसाचुसेट्स के हाइड पार्क में हुआ था। बोस्टन की मूल निवासी शॉर्ट ने अपना प्रारंभिक जीवन न्यू इंग्लैंड और फ्लोरिडा में ग्रेजुएशन करने से पहले बिताया, जहां उसके पिता रहते थे। आमतौर पर यह माना जाता है कि शॉर्ट एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री थी। हालांकि लॉस एंजल्स में उनके पास कोई अभिनय क्रेडिट या नौकरी नहीं थी। अमेरिका के बोस्टन की रहने वाली एलिजाबेथ शॉर्ट को लोग ब्लैक दाहिला नाम से जाना जाता था। कारण था, 9 जनवरी 1947 को एलिजाबेथ शॉर्ट अचानक लापता हो गई थी। घटना के बारे में जानकारी तब लगी जब 15 जनवरी 1947 को एक महिला अपने बच्चे के साथ टहलने निकली थी। उसी महिला ने सबसे पहली बार कमर से कटी हुई आधी लाश देखी थी। नग्न महिला का शरीर कमर के आधे हिस्से में कटा हुआ था। बेरहमी किए गए इस कत्ल में हत्यारे ने शव का मुंह कान तक चीर दिया था। फुटपाथ से कुछ दूरी पर पड़े शव को देख महिला को पहले लगा कि शायद कोई पुतला है, पर पास जाकर देखने पर पता चला कि शव पर कई गहरे घाव के निशान थे। इस हत्या में अजीब बात यह भी थी कि घटनास्थल के आसपास कहीं खून के धब्बे नहीं थे। ऐसे में एक बात तो स्पष्ट थी, इतनी निर्मम हत्या को घटनास्थल से दूर कहीं अंजाम दिया गया था। पुलिस ने एलिजाबेथ शॉर्ट को उसकी उंगलियों के निशान से पर हचाना और 16 जनवरी 1947 को शॉर्ट के शरीर पर एक शव परीक्षण किया गया। उसके शरीर पर निशान से पता चलता है कि महिला का हत्या किया गया था और उसे प्रताड़ित किया गया था। उसकी मृत्यु का आधिकारिक कारण मस्तिष्क रक्तस्राव था। वैसे आमतौर पर देखा गया है कि लोग मर्डर केस में जुड़ने या गवाही देने से बचते हैं, लेकिन ब्लैक दाहिला मर्डर में मामला इससे उलट था। ब्लैक दाहिला केस इतना पेचीदा था कि एफबीआई ने लॉस एंजलिस पुलिस के साथ मिलकर कई संभावित जगहों पर कातिल को पकड़ने के लिए कैंप भी आयोजित किए थे। इस केस की शुरुआती जांच में 60 लोगों ने जुर्म कबूल लिया, लेकिन जांच एजेंसी ने पाया कि इन सभी का केस से कोई ताल्लुक नहीं था। ऐसे में इन्हें छोड़ दिया गया। कई सालों तक अनसुलझे रहे हत्या केस में चली पूछताछ में 500 से अधिक लोगों से बात की गई, लेकिन कई तो ऐसे लोग थे जिनका उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। कुछ समय बाद ऐसे लोगों पर पुलिस और जांच एजेंसी को गुमराह करने का केस भी चलाया गया। लॉस एंजलिस का यह मर्डर केस आज तक अनसुलझा है।